हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2021 की नीलामी की तारीख अब हमारे सामने निकल कर आ चुकी है, जहां पर 18 फरवरी को चेन्नई में आप लोगों को फुली फ्लैश्ड ऑफलाइन ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। और गाइज, नीलामी से पहले ही ट्रेड विंडो एक्टिव चल रही है, और उसके साथ ही सारी टीम के फ्रेंचाइज ने ऑलरेडी कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट करने वाले हैं आईपीएल की नीलामी में, इसके साथ ही उन टारगेटेड प्लेयर्स पर कितने रुपये की बिडिंग लगेगी, ये बात भी अब ऑलमोस्ट कन्फर्म कर ली है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा कि 10 बहुत ही बड़े T20 स्पेशलिस्ट जिन्होंने आईपीएल ऑक्शन के लिए रजिस्टर किया था उनकी आईपीएल टीम, अब हमारे सामने ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी है कौन सी टीमें इनके ऊपर बिडिंग करने वाली हैं। यही सब बातें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा की तरह आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है इंग्लैंड के डेविड मलान का। डेविड मलान की बात की जाए तो करेंटली ये बिग बैश लीग का हिस्सा है, हालांकि बीबीएल में इनका परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको लगातार चैनल के ऊपर बता रहे हैं कि क्योंकि ये नंबर 1 T20 बैट्समैन है और इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग की है, इनका बीबीएल का फॉर्म या फिर बीबीएल का परफॉर्मेंस कुछ भी ज्यादा मैटर नहीं करता, और आईपीएल ऑक्शन में आपको ये बहुत ही बड़ी बिडिंग ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। अब गाइज, अगर बात की जाए कौन सी टीमें इनको ऑलरेडी टारगेट कर चुकी हैं, तो इस लिस्ट में नाम निकल कर आता है किंग्स इलेवन पंजाब का, इनके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स, इनके साथ ही आरसीबी की टीम का और राजस्थान रॉयल्स की टीम का। चार बड़ी टीमों ने ऑलरेडी डेविड मलान को ऑफर दे दिया है। मुंबई इंडियंस भी इनको अपनी टीम में पिक करना चाहती है, लेकिन उनके पास इतना ज्यादा बैलेंस पर्स अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं इस लिस्ट में दूसरे बड़े प्लेयर की, और यहां पर नाम निकल कर आता है काफी टाइम के बाद अपना रिटर्न कर रहे शाकिब अल हसन का। शाकिब की बात की जाए तो बांग्लादेश की साइड से ऑलरेडी उनका इंटरनेशनल रिटर्न हो चुका है, जिसमें उन्होंने कमाल की ऑलराउंड एबिलिटीज दिखाई थी, और उन्होंने दिखा दिया कि इस ब्रेक की वजह से उनके परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। नीलामी में शाकिब अल हसन के आने से पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी टीमें हैं जो कि इनके ऊपर बिडिंग करना चाहती हैं, जिनमें नाम निकल कर आता है राजस्थान रॉयल्स की टीम का, जिनका बैलेंस पर सब काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, और उसके साथ ही नाम निकल कर आता है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का, जो कि शाकिब को पिक करना चाहते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कायल जेमिएसन की। कायल जेमिएसन न्यूजीलैंड की साइड से लगातार टेस्ट क्रिकेट में हमें कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ये भी प्रूव किया है कि ना सिर्फ बॉल के साथ बल्कि बल्ले के साथ भी वो कमाल कर सकते हैं। और ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम ने ऑलरेडी कायल जेमिएसन को कॉन्टेक्ट कर लिया है, और इन्होंने इनको बता दिया है कि इनके ऊपर ये 5 से 7 करोड़ रुपए की बिडिंग करने वाले हैं। अगर इतनी इनके ऊपर मैक्सिमम बिडिंग होती है तो फिर एमआई की टीम पक्का जेमिएसन को अपनी टीम में आपको शामिल करते हुए नजर आ जाएगी। इसके साथ ही बाकी भी कुछ टीमें हैं जो कि इनको टारगेट कर रही हैं, लेकिन प्राइमरीली यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम इनको कुछ ज्यादा ही अपनी टीम से खेलते हुए देखना चाहती है आईपीएल 2021 में। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं, और यहां पर नाम निकल कर आता है इंग्लैंड के जेसन रॉय का। रॉय की बात की जाए तो आईपीएल 2020 में ये अपने पर्सनल रीजंस की वजह से डीसी की टीम को छोड़कर चले गए थे, लेकिन इस बार 1.5 करोड़ रुपए बेस प्राइस के साथ जेसन रॉय आईपीएल में वापसी कर चुके हैं। और गाइस, ऑलरेडी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इनके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीमों ने इनको कॉन्टेक्ट कर लिया है कि ये इनके ऊपर आईपीएल ऑक्शन में बिडिंग करने वाले हैं। आरसीबी इनको फिंच की रिप्लेसमेंट के तौर पर लेना चाहती है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम इनको वापस खरीदना चाहती है क्योंकि ये पहले से ही जेसन रॉय को टारगेट कर रहे थे। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर नाम निकल कर आता है जॉय रिचर्डसन का, जो कि बीबीएल के लीडिंग विकेट टेकर बॉलर करंटली चल रहे हैं। और गाइस, रिचर्डसन, अब ये बात फिक्स हो चुकी है कि उनके ऊपर भी हमें अच्छी खासी बिडिंग देखने को मिलने वाली है, करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास आपको रिचर्डसन दिखते हुए नजर आने वाले हैं। और ऑलरेडी सीएसके की टीम इनको लेने की रेस में आ चुकी है, जहां पर स्टीफन फ्लेमिंग ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जॉय रिचर्डसन अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, और यहां पर नाम निकल कर आता है मिचेल स्टार का। स्टार की बात की जाए तो करेंटली उनकी फॉर्म कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनकी फॉर्म कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी उनकी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं गई थी, लेकिन गाइस इसके बावजूद भी मिचेल स्टार का जो बज है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो कि स्पेसिफिकली मिचेल स्टार को अपनी टीम में शामिल करने के लिए अपने बैलेंस पर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चुकी हैं। नाम निकल कर आता है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम का, इनके साथ ही नाम निकल कर आता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का। बताया जा रहा है कि इन दो टीमों
टीमों के बीच में मुख्य रूप से आप लोगों को मिचेल स्टार्क के लिए काफी बड़ी बिडिंग वॉर देखने को मिलेगी। किंग्स इलेवन पंजाब ऑल आउट जाते हुए आपको नजर आएगी। स्टार्क के लिए इवन 15 करोड़ से भी ऊपर की बिडिंग वो आपको करते हुए नजर आ सकते हैं। आरसीबी की बात की जाए तो 12 से 15 करोड़ रुपए आरसीबी भी मिचेल स्टार्क के ऊपर आपको बिडिंग करते हुए नजर आ सकती है। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी 8 से 10 करोड़ रुपए आप लोगों को मिचेल स्टार्क के ऊपर नीलामी में बिडिंग करते हुए नजर आएगी। इस लिस्ट में अगले नंबर पर नाम निकल कर आता है यूसुफ पठान का। यूसुफ पठान की बात की जाए तो आईपीएल 2020 में भी ये खेलना चाहते थे, लेकिन बायोसिक्योर बबल की लिमिटेशंस की वजह से इनको भेजा नहीं गया था। और गाइज अब यूसुफ पठान की फाइनली आईपीएल 2021 की नीलामी में आप लोगों को एंट्री देखने को मिलेगी। ऑलरेडी केकेआर की टीम इनसे कॉन्टैक्ट कर चुकी है। केकेआर ने आईपीएल 2020 में भी इनसे कॉन्टैक्ट किया था इनको रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल करने के लिए, लेकिन गाइज अब फाइनली केकेआर की टीम आपको यूसुफ पठान के ऊपर ऑक्शन में बिडिंग करते हुए नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं गाइज और यहां पर नाम निकल कर आता है एस श्रीशांत का। श्रीशांत ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरला की साइड से इस बार अच्छा परफॉर्म किया था, जिसकी बदौलत बीसीसीआई ने अब उनके रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर दिया, यानी कि आईपीएल नीलामी में आप लोगों को इस बार एस श्रीशांत की एंट्री होते हुए नजर आएगी। और गाइज ऑक्शन में आने से पहले ही राजस्थान रॉयल्स की टीम और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने इनको ऑलरेडी ऑफर दे दिया है। हालांकि इनका बेस प्राइस अभी तक सेट नहीं हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली 1 करोड़ इनका बेस प्राइस होगा, लेकिन आरआर और केएक्सआईपी की टीम ने ऑलरेडी इनको अपनी टीम में शामिल करने का मन बना लिया है। आगे बढ़ते हैं गाइज और यहां पर नाम निकल कर आता है इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स का। एलेक्स हेल्स की बात की जाए तो पिछले काफी टाइम से क्रिकेट से दूर चल रहे थे, लेकिन उसके बाद फाइनली इन्होंने यहां पर रिटर्न कर लिया बीबीएल में, जहां पर 14 मैचेस में 500 से ज्यादा रन ये स्कोर कर चुके हैं और बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट हमें नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ रन के मामले में बल्कि स्ट्राइक रेट के मामले में भी एलेक्स हेल्स लगातार कमाल कर रहे हैं। और अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ना सिर्फ इंग्लैंड की नेशनल टीम से इनको कॉल अप आने वाली है, जबकि आईपीएल में भी आपको एलेक्स हेल्स के ऊपर काफी ज्यादा बिडिंग होते हुए नजर आएगी। अब अगर बात की जाए कौन कौन सी टीमें इनको टारगेट कर रही हैं, तो जिन भी टीमों को टॉप ऑर्डर एक्सप्लोसिव बैट्समैन की जरूरत है, यानी कि सीएसके या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या फिर इवन किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें भी आपको एलेक्स हेल्स के पीछे नीलामी में जाते हुए नजर आएंगी। इनके बेस प्राइस को 2 करोड़ रुपए ऑलरेडी बीसीसीआई द्वारा सेट किया जा चुका है, क्योंकि इनके बिकने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो गाइज ये थी वो कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो कि 10 बहुत ही बड़े टी20 स्पेशलिस्ट हैं और ऑक्शन से पहले ही कौन सी टीमों ने इनको टारगेट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ये वीडियो ही तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। उसके साथ ही कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताइए, आपके हिसाब से ये 10 बड़े प्लेयर्स कौन कौन सी टीम में और कितने प्राइस में आपके हिसाब से बिक सकते हैं। इसके साथ ही कमेंट कीजिए कि आप लोग अगली वीडियो किस टॉपिक या फिर किस टीम के ऊपर देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।